नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखिए फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम ऑनलाइन आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं, वो भी थोड़ी कुछ ही मिनट में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है या आपके पास अदर कोई ब्राउज़र है उसमें भी आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो आप क्रोम ब्राउज़र ही ओपन करें, अदरवाइज़ आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप उसके लिए क्रोम ब्राउज़र या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, जो भी आपको ब्राउज़र अच्छा लगे उसमें आप ओपन कर सकते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र में हमारे लिए सर्च करना है uadai.gov.in। इस वेबसाइट से हम बनाने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कैसे करते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये आपको ये UIDAI सर्च करने के बाद आपके ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको ये फर्स्ट ऑप्शन पर कर देना है। UIDAI वेबसाइट है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम आधार कार्ड की। ये आपको दिख रही है, ये यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं गेट आधार ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर लोकेट कर सकते हैं, यहाँ से आप बुक एन अपॉइंटमेंट कर सकते हैं न्यू आधार कार्ड बनाने के लिए। अगर आप न्यू आधार कार्ड बनाना चाहते हैं तो आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस वीडियो को देखने के बाद आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप करते हैं न्यू आधार कार्ड बनाने के लिए। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, यहाँ से आप चेक आधार स्टेटस चेक कर सकते हैं, रिट्राइव लॉस्ट ऑफ फॉरगॉटन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, और ऑर्डर आधार रिप्रिंट आप कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ से चेक आधार रिप्रिंट स्टेटस कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखिए फ्रेंड लिखा है आधार अपडेट, यहाँ से हमारे लिए मोबाइल लिंक करना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, आप अपडेट आधार एट एनरोलमेंट अपडेट सेंटर से कर सकते हैं, चेक आधार अपडेट स्टेटस है यहाँ पे, अपडेट और एड्रेस ऑनलाइन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, चेक ऑनलाइन एड्रेस अपडेट है यहाँ पे, आधार अपडेट हिस्ट्री है यहाँ पे, आप देख सकते हैं आराम से यहाँ से। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमें मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बुक एन अकाउंटमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, फ्रेश आधार एनरोलमेंट नेम अपडेट एड्रेस अपडेट मोबाइल नंबर अपडेट ईमेल आईडी अपडेट डेट ऑफ बर्थ अपडेट जेंडर अपडेट बायोमेट्रिक फोटो प्लस फिंगरप्रिंट प्लस आयरिस अपडेट यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए फ्रेंड, बुक एन अपॉइंटमेंट एट UIDAI रन आधार सेवा केंद्र, दो तरह से ये चलता है। यहाँ पे देखिए, बुक एन अपॉइंटमेंट एट रजिस्टर रन आधार सेवा केंद्र, जो कि कोई छोटी मोटी शॉप होती है वहाँ से आप यहाँ से ये उसका ऑप्शन है, और यहाँ पे जो आधार आईडी है जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो संस्था होती है वहाँ से आप यहाँ से होता है, तो इस पर आपके लिए सिलेक्ट कर लेना है, सिटी सिलेक्ट करना है आपकी, जो भी सिलेक्ट है सिटी है आप जो भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कैप्चा फिलअप कर देना है। अगर आपको ये कैप्चा सही से नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश भी कर सकते हैं। हम मोबाइल नंबर फिलअप कर लेते हैं पहले। देखिए फ्रेंड, मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आपको गेट OTP पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, OTP जो आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, उसको आपको यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा OTP आ गया है 625748, ये हमारा OTP है, इसको हम यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। इसके बाद में आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको ये फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इसमें देखिए फ्रेंड लिखा है न्यू आधार के लिए आप कर सकते हैं अपडेट एग्जिस्टिंग एड्रेस डिटेल, यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, अपडेट एग्जिस्टिंग आधार डिटेल, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपका जो भी आधार नंबर में नाम है वो डालेंगे। इसके बाद में आप यहाँ से यहाँ पर देखिए फ्रेंड नॉन मैट, इस पर आप यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए नेम डेट ऑफ बर्थ जेंडर मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एड्रेस जो भी आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करना है, तो इसके लिए हम दोनों पे क्लिक कर लेते हैं, ईमेल आईडी
मोबाइल नंबर क्लिक कर लिया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारे लिए न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप कर देना है और यहाँ पे वो ईमेल इंटर ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है, जो भी आप डालना चाहते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको यहाँ पे लिखा है वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद, इसको आपको क्लिक कर देना है वेरीफाई पे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपने जो भी इसमें ईमेल डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, इसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, आपको ये प्रीव्यू देख सकते हैं। यहाँ से आप प्रीव्यू देखने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। कंफर्म पर ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको सेलेक्ट स्टेट कर लेना है। यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेंड सिटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड ब्रांच सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं पेमेंट के लिए, कैश और ऑफलाइन पेमेंट। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप कैश ही रहने दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 16 तारीख। इस डेट को हमारे लिए अपॉइंटमेंट लेना है। यहाँ पे 11:30 कर लेते हैं हम। देखिए फ्रेंड, आपको ये मैप भी दिख जाएगा। अगर आपको एरिया आस पास जाने में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको मैप भी आप यहाँ पे शो रहता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए फ्रेंड, अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स हो चुका है। देखिए फ्रेंड, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। आप इसको प्रिंट भी यहाँ से कर सकते हैं, प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप, और इसको स्लिप को आपको लेके जाना है। फिर आप स्क्रीन शॉट लेके इसको आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। तो हम इसको प्रिंट अपॉइंटमेंट स्लिप कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमारी अपॉइंटमेंट स्लिप है, इसको आप डाउनलोड करके आराम से उनको प्रिंट करा कर देख सकते हैं, मोबाइल में भी दिखा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार अपन आप ऑनलाइन आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर आपका कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड या दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और आपको कोई भी आधार कार्ड से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है फॉर या, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।